ये हौसलों की उड़ान है। चुकुरिया का सपना इमली की मौत का कारण बने, हम नहीं देख सके। आपका चकोरिया के सपने का बलिदान दिए का पड़ी, उकी उड़ान को रोके का पड़ी, कस्तूरिया उकी उड़ान रोके का पड़ी। इसीलिए कहा था मैंने कि इस तरह चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से याद मत करो तुम, मगर तुमने हमारी बात सुनी नहीं, अपनी मनमानी की तुमने। अब तुम एक ही वक्त पे चिल्लाओगी भी और दौड़ोगी भी तो यही होगा ना। हमने कहा भी तुमसे कि रेस्ट ले लो, नहीं लिया तुमने। अब देखो अपनी हालत। हम तुमसे एक आखिरी बात कह रहे हैं, आज से तुम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करोगी। इस सीट पे सिर्फ एक आदमी का हुक्म चलता है और वो हम है। और अगर तुम सचमुच अपने हाथ से ये निशान मिटाना चाहती हो तो आज से तुम वही करोगी जो हम तुमसे कहेंगे। तुम कहां जाते हो? हम हमारी चकोरिया को यहां आ जाते हैं दोबारा लेकर, उनका बनवा बना दे, उनके पर काट के उनका पिंजरे में डाल दे। नहीं, अभी नहीं होने दे। अरे वो लड़की वहां लखनऊ में पढ़त है, लिखत है, स्कूल जाते है, कुछ बनने का सपना देखा थे, और तुम कहां जाते हो? हम वो सपना तोड़ दे, उनका फिर से बनवा मजदूर बना दे। अरे जिंदगी उनका एक मौका दी है, उनका एक मौका दिया अपनी जिंदगी सुधारने का, कुछ बनने का, वो मौका भी हम उससे छीन ले? हाँ, छीन ले उसे वो मौका। हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारी चकोरिया को हम यहाँ नहीं लाएंगे, हमारी चकोरिया वहाँ ही रहेगी लखनऊ में। अरे तुम नहीं जाओगे लखनऊ? अरे और कौन रास्ता नहीं है? अरे नहीं है और कौन रास्ता, हमारी किस्मत फूटी है। कि बन सके हम अच्छे बापू, अपने हाथ से अपनी बेटी का भाग खराब कर रहे हैं, जो आजाद हुई गई उनको वापस जेल में डाल रहे हैं। पर हमका ही मालूम है कि अगर चकोरिया यहां ना ही आई तो इमली मर जाई है। पर अगर चकोरिया को हम यहां ले आए तो इस बात की तो संतुष्टि रही कि हमारी दोनों बिटिया जिंदा है। अब पिंजरे के अंदर रहे या पिंजरे के बाहर, जिंदा तो रही ना दोनों। अरे क्या गलती की रे हमने चकोरे, बोलो। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, बनवा मजदूरी खत्म करने के लिए तो भागी थी ना, तो कहाँ गलत की? अरे तो कैसी माँ है, अपनी दोनों बेटी के बीच में फर्क करत है, एक की पढ़ाई लिखाई और आजादी के लिए दूसरे को मौत के मुंह में डाल दी। सुना नहीं लाखन का कह रहा था, इमली बहुत कमजोर है, हमसे दूर ना रह सकत, मर जाइए वहां। तुमको क्या लगता है अभी चकोरिया को यहाँ वो लोग जिंदा रहने देंगे? हा? और जिंदा भी रह गई तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, मौत से भी बदतर। लोग राक्षस है राक्षस, हमारी चकोरिया को जीते जी मार डालेंगे। हम जो उधार ले रहे ना, चकोरियाओं का ब्याज है ब्याज, और वो लोग वो ब्याज सूद समेत चुकता करवाए। मेरी भूल बस इतनी है कि हम अपने बचवा की आजादी का सपना देखे, भूल गए रहे कि हमें तो उनको गिरवी रखे रहे। हमारी चकोर हवेली में आए के भी जिंदा रही है, कठिन से कठिन घड़ी माँ भी खुद को संभाल ली है, लेकिन इमली इमली तो रेशम के कीड़ा से भी कमजोर है। हवेली वालों को कच्चू किए की जरूरत ना पड़ी, इमली तो अपनी मौत आप ही मर जाइए ना। नहीं, नहीं। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अरे क्या बोला तो अपनी बिटिया है, ऐसा क्या बोला तो तुम? ऐसा मत बोलो, अपनी कमली को कच्चू नहीं होगा, कच्चू नहीं होगा अपनी इमली को। अगर चकोरिया को लाए के हवेली में दे दिए तो कम से कम इमली को तो बचा ही सकत है,
इतना तो हुई जाए कि एक बेटी हमारे पास रही है, और अगर हम कछु ना करिए, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, तो दोनों बच्चों से हाथ धो लें। कसूरिया, हमका चकोरिया की किस्मत पे भरोसा करे का चाहिए। हमका जाहे दे कसूरिया, हमका जाहे दे। इस घर में चकोर नहीं, इमली नहीं, वो घर हम दोनों को खा जाए। अरे श्यामू काका जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारे पूछे भी ना हमारी किसी चीज को हाथ मत लगाइए, मगर आप लोग साफ सफाई के चक्कर में हमारी सारी चीजें इधर उधर कर देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर क्लास नोटबुक नहीं होगी तो हम होमवर्क कैसे करेंगे? जाइए, आप मम्मी को बुला कर लाइए, शायद उन्हें मालूम हो। छोटे बाबू, बिटिया का आना नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके नाना जी के साथ पार्टी की मीटिंग में बैठी हुई है। आप जाइए, हम खोटे ढूंढ लेंगे। हेलो, हेलो विवन, गलती से तुम्हारी क्लास बुक हमारे बैग में आ गई। अरे बाप रे बाप, और उसके लिए हमने सारा घर सर पे उठा के रखा है। हम भिजवा दे कि तुम आ रहे हो लेने को? अरे नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, तुम्हारे और चकोर के साथ एक राउंड लूडो भी खेलेंगे। और हाँ विवान, चकोर हम तो को एक ऐसी चीज दिखाइए, ऐसी चीज दिखाइए कि तुम्हारे आंखों में विश्वास ही ना हुई। अच्छा, ऐसी क्या चीज है? हमारे हाथ से लिखा हुआ पहला वर्ड। वाह, वर्ड? हाँ विवान, अब हम अनपढ़ नहीं, पढ़ी लिखी हुई गए। हम अभी आ रहे हैं। विवान यहाँ रहा है, हमें पता है, और उसने कहा वो हमारे साथ लूडो भी खेलेगा। फिर हम सब मिलके पढ़ाई करी है। फिर से पढ़ाई? हाँ पढ़ाई। भाइयों, आपके बल पर ही इस प्रदेश की सरकार चल रही है, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि केंद्र में जो सरकार है वो हमारी पार्टी की नहीं है, और इसीलिए जानबूझकर हमारे प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होगा। इसका एक ही रास्ता है कि आने वाले चुनाव में हम अपना पूरा जोर लगाएं और हमारी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि केंद्र में भेजें, जिससे केंद्र में हमारा दबाव बना रहेगा, और ये भी संभव है कि केंद्र सरकार में हमारी पार्टी को सत्ता का मौका मिल जाए। बहुत अच्छे विचार है आपके गिरधारी लाल जी, इस बार के इलेक्शन में हमें भारी बहुमत से जीतना ही होगा। इसीलिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है कि अगर जीतना है तो आज ही नहीं बल्कि अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, और ऐसे लोगों को टिकट दी जानी चाहिए जिनकी जीत निश्चित हो, और इसलिए हमने बाकी लोगों के अलावा हमारी बेटी रंजना राजवंशी को इस चुनाव में खड़ा करने का फैसला लिया है। राजनीति में नया खून नहीं आएगा तो बात कैसे बनेगी? तो अन्य लोगों की सूची आपके सामने रखी है, आप उस पर परामर्श करके हमें बता दीजिए। मम्मी, विवान आप देख रहे हैं ना हम बिजी हैं। मम्मी, हमें अदिति के घर जाना है, हम अपनी कॉपी बुक उसके पास भूल गए हैं। चुपचाप अपने कमरे में जाइए, और उस गवार लड़की की वजह से हमसे झूठ बोलना बंद कीजिए, जाइए। मम्मी प्लीज, आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? हमने कहा अंदर जाइए।
यह सर्वा हट। सर्वा यहां रहना मतलब जेल में रहने से भी बदतर है।